कलरी पयट्टू। कहते हैं ये विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म्स में से एक है, जिसने केरल में करीब 5000 साल पहले जन्म लिया। और जानते हैं इस प्राचीन कला से एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार जब विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को अरब सागर में फेंका तो उसमें से धरती का एक टुकड़ा उभरा, केरला। इस धरती की रक्षा के लिए उन्होंने 21 शिष्यों को कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग दी। यही नहीं, इसे सिखाने के लिए 64 गुरुकुल भी स्थापित किए। कलरी का मतलब होता है रणभूमि, और कलरीपयट्टू असल में एक प्राचीन युद्ध कला है, डिजाइंड फॉर एंशिएंट बैटलफील्ड्स। इसमें कॉम्बैट और डिफेंस टेक्निक्स तो हैं ही, साथ ही हैं हथियार, योगा और हीलिंग टेक्निक्स का बेमिसाल मिश्रण। शायद इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। നമ്മുടെ കളരി അഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജേണിയാണ്. ജേണി ഓഫ് വാരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഫുൾ ഓഫ് അവെയർനെസ് മെയ് കണ്ണാക്കി മാറ്റുക. കളരി അഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ നേടേണ്ടുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് കണ്ണാക്കി മാറ്റുക. ബോഡി ബിക്കംസ് ദി ഐസ്. कहते हैं हमारे शरीर में 64 वाइटल पॉइंट्स हैं, जिन्हें मर्म पॉइंट्स कहते हैं। इन वाइटल पॉइंट्स में लाइफ फोर्स एनर्जी यानी जीवन शक्ति की ऊर्जा बसती है। कलरी में इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अटैक और डिफेंड करना सिखाया जाता है। कलरी प्राधान्य 64 मर्मस्थान അത് അഭ്യാസ മർമ്മങ്ങൾ, കുലാഭ്യാസ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രയോഗങ്ങൾ കളരിയിൽ ലേശിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഓപ്പണന്റിനെ ഇസ് കലാ മേ മഹാരത് ഹാസൽ കർനെ കെ ലിയേ പാർ കർനെ ഹോതേ ഹൈ ചാർ പടാവ്. മെയ്യ പയട്ടു ശരീർ ഓർ ദിമാഗ് കോ ശക്തി പ്രദാൻ കർനെ വാലി ട്രേനിംഗ്. കുൽതാരി പയട്ടു ലക്ടി കെ ഹത്യാരോ സേ ട്രേനിംഗ്. अनंतारी पयट्टू धारदार हथियारों से ट्रेनिंग, और वेरुमकाय यानी हाथों से लड़ने की कला। और हर पड़ाव को पार करने में स्टूडेंट्स को एक साल से भी ज्यादा वक्त लगता है। और अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात पर। ये जो आप ब्रूसली और कुंग फू के दीवाने हैं ना, कहते हैं इसका जन्म कलरी पयट्टू से ही हुआ है। कहा जाता है करीब 5th century BC में दक्षिण भारत के कलरी योद्धा प्रिंस बोधिधर्म चाइना गए थे, और वहां इन्हीं की सिखाई एक्सरसाइजेस ने आगे चलकर कुंग फू की नींव रखी। कलरी सिर्फ योद्धा कला नहीं है, तन मन और मस्तिष्क को तंदुरुस्त और संतुलित रखने वाली कला भी है। साथ ही ये केरल की दूसरी कलाओं की प्रेरणा भी है। और कहीं मिलेगी ऐसी अचंभित करने वाली कला? It happens only in India.